अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ब्लॉगिंग चैनल। और वो जो गाना है, दिन है इतवार का, मज़ा लीजिए। तो आप भी मज़ा लीजिए और हम भी मज़ा ले रहे हैं। ये पता नहीं ज़िंदगी हमारे मज़े ले रही है। तो बस ये कि निकल पड़े भाई, ड्यूटी पे जाना है इधर सिविल एविएशन ग्राउंड। और घर वाले सब सो रहे थे तो आज बाहर से नाश्ता करना पड़ा। अंडा पराठा रोल लिया है। मेरा बड़ा फेवरेट है। और बड़े मज़े से मैं खाता हूँ। ये अभी बस स्टॉप की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ से बस पकड़ेंगे और बस में जाएंगे सिविल एविएशन ग्राउंड और वहाँ जाके फिर दिखाएंगे आपको मैचेस। मैचेस के बाद कोई एक्टिविटी तो देखते हैं क्या होता है, किसी का फ़ोन आता है नहीं आता, कोई काम है नहीं है। ओके, बस ने उतार दिया बस स्टॉप पे। अब इस रोड पे जाना है सीधा, वो कोने पे लास्ट पे ग्राउंड है। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट की वॉक है ये, और चलें चलते हैं। हाँ जी, तो चलते चलते कुछ बातें ही कर लेते हैं। और बस वाला बहुत जल्दी में लग रहा था भाई, जो कि 20-25 मिनट का सफ़र है हमारा, उसे बस वाले ने जो है 12 से 13 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट में पूरा कर लिया होगा। जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा कि आज बस वाला जो है ना, बस नहीं जहाज़ चला रहा था। तो लेकिन ये है कि चलो शुक्र है, आखिर में मैंने थोड़ी सी उसकी इज़्ज़त अफजाई भी कर दी अपने देसी लफ्ज़ों से, जो कि मैं यहाँ वीडियो में नहीं बता सकता। बहरहाल ये है कि अभी जा रहे हैं ग्राउंड और 2 मैचेस हैं। सुबह वाइट किट मैच है और दोपहर में कलर किट मैच है। तो आपको थोड़ी सी हाइलाइट्स भी दिखाऊंगा उसकी और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ये सिविल एविएशन का खूबसूरत ग्राउंड है और हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। फजर आपका मैच चल रहा है जो कि सुबह 7 बजे शुरू हो जाता है। और ये देखें बेहतरीन नज़ारा सिविल एविएशन अथॉरिटी का। चाचा क्या हाल है, ठीक हो? जाकिर भाई भी आ गए। जाकिर भाई का मैच, कौन सी टीम है जाकिर भाई? स्काई हॉक्स। स्काई हॉक्स का मैच है और ये काफ़ी इनके मैचेस किए मैंने, जानने वाले हैं। फजर आपका मैच हो रहा है, ये सुबह 7 बजे शुरू हो जाता है। और पहले मैं भी फजर आपके मैचेस में स्कोरिंग किया करता था, खेला भी करता था, लेकिन ये कि अब मसरूफियत ज़्यादा होने की वजह से सुबह उठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से अब सिर्फ फर्स्ट हाफ के मैचेस और सेकंड हाफ के मैचेस करता हूँ मैं 10 बजे। आफ्टर लॉन्ग डे ये आज का दूसरा मैच भी ख़त्म हुआ, शाम के 6:15 हो रहे हैं।
बहुत भूख भी लग रही है भाई, अब तो हालत ख़राब हो गई है। और ये टीमें शेक हैंड करती हुई, स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट। ग्लव्स हैं, ग्लव्स। किसका मैन ऑफ द मैच? अफरोज हसन। बाबर आजम और उसकी ओपनिंग नहीं हटा सकता, ये हमारी किलिंग ऑफ प्ले बॉल। मेरे को बात आप सुनो, उससे जब मीडिया ने पूछा कि भाई सचिन को क्यों नहीं ले रही हो ना, उसने बोला भाई चौके छक्के मारने उसने हाँ। बोला उसे फिटनेस भी हाँ। एक तो ये बोल हो गया। दूसरा उससे पहले जब मतलब जब सिलेक्शन का टाइम था ना, तो ये मीटिंग में यानी उस रमीज राजा से ये पूछा ना कि आप अपनी बहन का रिश्ता देंगे, वो तो बाबर आजम ने जो है ना उस पर छोड़ दिया कि भाई टीम जो है बाबर आजम ने खिलानी है, रमीज राजा ने बोला। दो नाम दिए ना, शुएब मलिक का दिया, शजील खान का दिया है ना, ठीक है ना। आप देख लो, लेकिन बाबर आजम ने कटा दिया दोनों को। हाँ, बाबर आजम ने खास कर शजील को क्यों कटाया कि अगर वो शजील टीम में आता ना, तो बाबर आजम जाहिर है फिर रिजवान या बाबर किसी एक ओपनिंग से हटना पड़ता। अब फखर का ये या शान मसूद का ये, इनको जहाँ बोलो वो खेल नहीं, वन डाउन जाता है, शजील को खिलाता है, खेल सकता वो, मतलब पक्का वो है। जी गाइस, तो शाम हो गई है, रात के तकरीबन 8 बज रहे हैं, रात हो गई और सारा दिन मेहनत के बाद अब फ्री हूँ। संडे को हमारा सेशन भी लगता है शाम के बाद, एक गुफ्तगू का सेशन, माइंड फ्रेशनेस का सेशन। मैं, शराज और दिलदार भाई, हम तीनों बैठते हैं, चाय पीते हैं, पीसीबी की बातें डिस्कस करते हैं और पॉलिटिक्स की बातें डिस्कस करते हैं। तो वो भी हो गया, अब चाय भी पी ली, तो अब घर की तरफ चलते हैं और आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। शुक्रिया, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।